देखा आपने कैसे मुंह पर झूठ बोल रहा था, खुद को बेगुनाह और मेरी बहन को झूठा साबित करने पर तुला हुआ था, और आप इस किस्म के घटिया लोगों में मेरी बहन का रिश्ता जोड़ने पर तुली हुई थी। चुप कर जा, मैं कब रिश्ता जोड़ने पर तुली हुई थी? तुम लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ही गई थी, नहीं तो जाती थी मेरी जूती रिश्ता लेने। उन दिनों तुझ पे जहारा केश का भूत सवार था और इस मनहूस पे मौसी की मोहब्बत का भूत सवार था। वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। बेशरम लड़की, तमीज नहीं है माँ और भाई के सामने इसके संग बातें करते हुए, ज़बान ठेस लूँगी तेरी मैं। जल्द से जल्द इसका रिश्ता ढूंढें, इसकी शादी में मज़ीद किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, बता रहा हूँ मैं आपको। नाश्ता तो कर ले। कर लिया नाश्ता मैंने। तमीज बेकार, शर्म नहीं आती? नहीं आती मुझे शर्म, बता दे भाई को मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, करूंगी तो सिर्फ मोहसिन से करूंगी। ज़बान ठेस लूँगी, बुद्धि से तेरी समझ आई? बात देखे नाम भी लिया उसका। क्यों ना लूँ मैं नाम उसका, बार बार लूंगी और हजार बार लूंगी, बता दे भाई को भी जाके ना अपने मीनू से शादी कराई ना जान ले लूंगी मैं अपनी। जान भी ले ले मनहूस, और मुझे भी मार दे। गजब, कहां से पल्ले पड़ गए मेरे ये। कहां थी तुम? मैं दो दिन से तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी यार, मैं काम में इतना फंसी हुई थी कि तुम्हें कॉल बैक ही नहीं कर पाई। और सुनो, तुम्हारा काम हो गया है, मैंने तुम्हारी सीवी कुछ लोगों को फॉरवर्ड की थी, तो मैं इंटरव्यू कॉल आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच यार। सुनो, तुमने मोहसिन से इजाजत ले ली है? अब मुझे उसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है नाजिया, मैं एक छोटे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। जैसे ही मुझे कोई जॉब मिलेगी ना, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या लड़ाई हुई है तुम दोनों के बीच में? मेरी तन्हाई के आलम का हो, मेरी तन्हाई के आलम का उन्हें एहसास नहीं, लूटा है मुझको इस तरह से रो भी पास नहीं, मेरे इस दर्द की दवा दे या मुझे मार दे सजा दे। थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरा बहुत साथ दिया इस पूरी सिचुएशन में। डोंट बी सिली, व्हाट आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर? बस अब दुआ करो कि तुम्हें जॉब मिल जाए इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बात सुनो, लंच करें? नहीं नहीं, आई एम गेटिंग लेट, मैं निकलती हूँ। नहीं ना, मैं तुम्हें लंच करवाती हूँ और मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। क्या बात करनी है? वो बैठ के बताऊँगी। चलो। तुम्हारी बीवी सुबह सुबह तैयार होकर फिर निकल गई है बिना बताए। कहाँ चलेगी? मुझे क्या पता कहाँ चली गई है, को बताया थोड़ी है। उसने तो इजाजत लेना दरकिनार बताना भी गवारा नहीं किया, पहले भी दो बार ऐसा कर चुकी है, सुबह सुबह उठी तैयार हुई और निकल गई। तो आपको उसे रोकना चाहिए था ना? मैं कौन होती हूँ रोकने वाली, जब उसे तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमें वो किस खातिर में लाएगी? मुझे तो ऐसे लगता है कि वो अपने बाप के घर चली गई है नाराज होकर, और अगर ऐसा है ना तो मोहसिन उसे जाकर मनाने की कोई जरूरत नहीं है, कह दिया मैंने। ये तुम बॉटल रेस्टोरेंट के अंदर ही लेकर आ गई? अच्छा बताओ ना, क्या बात करनी थी? एक्चुअली मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? पहले लंच तो ऑर्डर कर दें। एक्सक्यूज मी, लिसन, आई एम नॉट हंग्री और मैं घर में किसी को बताकर नहीं आई हूँ, सो आई हैव टू गो बैक। ओके लेट्स जस्ट देन हैव कॉफी। आप ऐसे कर रहे हैं, 3 कैपेचिनो प्लीज ऑर्डर करें। तीसरी किसके लिए है बताओ तो सही। तुम एक्चुअली उसे जानती हो? कौन? हाय। लिसन, आई हैव टू गो। कॉफी आ रही है। सो सुहा, हाउ आर यू?
Good. And how was your interview? अच्छा था. कॉफी आ गई. इनकी कॉफी बहुत अच्छी होती है. How can you miss it, यार? It's amazing. Thank you. See your favorite coffee. Have some. I'm getting late, so I'm out. कहाँ कैसे? कैब में. पागल हो गई हो? हमारे होते हुए कैब में कैसे जाओगी? यार उसकी जरूरत नहीं है. आई थिंक इट्स एनफ. सुहा सिट, वी विल ड्रॉप यू. चेक. हाँ एक्सक्यूज मी. तुम चेक क्लियर करके आओ, हम यहाँ बाहर. ओके. सुहा तुम्हारी पानी की बॉटल. मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? जब उसे तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है तो हमें को किस खातिर में लाएगी? उसे तो इजाजत लेना दरकिनार, बताना भी गवारा नहीं किया. पहले भी दो बार ऐसा कर चुकी है. सुबह से वो उठी, तैयार हुई और निकल गई. जल्दी आ गए तुम. आज कहाँ से आ रही हो तुम? इंटरव्यू देने गई थी. मुझसे पूछे बगैर? और ये तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. और नौकरी की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस कमरे में तुम्हारे साथ दम घुटने लगा है मेरा. ये तुम नहीं बोल रही हो, कोई और बोल रहा है. अच्छी तरह जानता हूं कौन ब्रेन वॉशिंग कर रहा है तुम्हारी आजकल. कौन छोड़ के गया तुम? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे. किसी को मेरी ब्रेन वॉशिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास अपना दिमाग है और मैं खुद देख सकती हूँ सब कुछ. हाँ छोड़ो मेरा. तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है. गलती तुमने नहीं, गलती मैंने की है. मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम... जब इंसान के दिल में चोर होता है तो वो इल्जाम दूसरे को ही देता है. बेवफाई खुद कर रहे हो और इल्जाम मुझे दे रहे हो. बकवास बंद करो और मुझे बताओ किसके साथ आई हो तुम. मेरी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है. मैंने खुद देखा किस गाड़ी से उतर रही थी तुम. कौन था वो बताओ मुझे. अब नहीं बताऊंगी. एक बात अच्छी तरह से समझ लो मोहसिन, मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ. तुम झूठ बोलकर अपनी कजिन से अफेयर चला सकते हो लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ऐसी तरबियत नहीं है. शट अप. तो मुझे शट अप बोलने से पहले अपने गरीबान में तो झांको. खुद क्या कर रहे हो तुम?
अगर इतनी पसंद थी वो तो इस तरह छुपकर अफेयर चलाने से बेहतर था उसे शादी कर लेते, क्योंकि मेरे पास तो तुम सिर्फ मेरा स्टेटस देखकर आए थे। और जैसे ही बाबा ने डिसओन कर दिया तो फौरन उसके पास वापस चले गए। चुप! मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे मजीद तमाशा नहीं करना, ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। हाथ छोड़ो मेरा, जब दिमाग ठीक हो जाएगा तुम्हारा तब बात करेंगे। बात अभी और इसी वक्त होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे आया था, तुम्हारे स्टेटस के पीछे आया था? जी नहीं, सच तो ये कि तुम मेरे पीछे पड़ गई थी क्योंकि तुम्हें अपनी माँ ही बर्दाश्त नहीं थी। हर दो दिन बाद तो तुम अपने बाप का घर छोड़ के रोड़ों पे बैठ जाती थी। अगर मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता तुम्हारा। मेरी बात सुनो, तुम सो वापस दो। एक बड़ी बदतमीज लड़की है, शौहर से बात करने की तमीज नहीं है इसे। रोज ही किसी न किसी बात पे लड़ाई, किसी न किसी बात पे झगड़ा। अच्छा बंद करो, ऊपर चलो वापस। मैंने कहा हाथ छोड़ो। जो गम मेरे इतने मेरे दिल मेरा भर गया, अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। मुझसे खफा साया मेरा, मैं कौन हूँ कुछ ना पता, मेरे सिर दर्द।